नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, 3 की पावर x इज इक्वल्स टू 729, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 106, 3 की पावर x इज इक्वल्स टू 729, then what is the value of x square? Okay? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब पावर सेम होती बेस सेम रहते हैं तो उनको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इनको लिखा जा सकता है ये सब जुड़ जाएंगे किस सेम है, तो ये हो जाएगा 3 into 3 की पावर x, 1, 2, 3, 3 into 3 की पावर x इज इक्वल्स टू 729। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर x प्लस 1, क्यों, क्योंकि इसकी पावर कितनी है 1 और इसकी पावर कितनी है x, बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो इनकी पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं। 729 को क्या लिख सकते हैं, तो मैंने बताया था 3 की पावर क्या होती है, उसकी पावर क्या होती है, उसकी पावर कितनी होती है, 3 या 9 या 27, इसको हम ऐसे लिखेंगे 3, 3 या 9 या 27 या 81 या 243 या 729। ठीक है, तुम अगर इस तरह निकालोगे तो ये वैल्यू आएगी, तो तुम्हें याद करना पड़ेगा 2 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 की पावर 6, 7, 8, 9, 10 कितनी वैल्यू होती है, वो सब लर्न करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, 2 का 3 का 5 का मोस्ट प्रोबेबली याद करना। ठीक है, तो 3 या 9 या 27 या 81 या 243, इसको एक बार कैलकुलेट करके देख लेता हूँ मैं, 3 या 9 3 4 12 3 6 7। हाँ राइट, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 की पावर 6, बेस सेम है, सेम अप्लाई हुआ इसमें, x + 1 = 6, यानी x = 6 - 1 = 5। तो x की वैल्यू जब 5 आई है तो x स्क्वायर कितना होगा, देन x² = 5 की पावर 2 मीन्स 25। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी।